बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 मैं आपको करवा रही हूँ। आज की वीडियो में हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। आपसे कह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट जो है वो लाइन का वो रेसिप्रोकल है उसके वाई इंटरसेप्ट के। एंड लाइन पासिंग थ्रू, और लाइन जो पास हो रही है वो हो रही है 2, -1 से। फाइंड इट्स इक्वेजन, आपने इसकी इक्वेजन मालूम करनी है। ठीक है, एक एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है। अब ये आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। और जो एक्स इंटरसेप्ट है आपके पास वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट का। अगर ये आपके पास है 1 तो इसका रेसिप्रोकल, यानी अगर ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल ये मौजूद है आपके पास, या अगर ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल ये। आपसे कह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है एक्स इंटरसेप्ट, यानी जो भी वाई इंटरसेप्ट है इसका रेसिप्रोकल है एक्स इंटरसेप्ट। और आपके पास लाइन जो पास हो रही है वो 2, -1 से हो रही है, यानी एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू है -1। अगर 2, -1 को देखें तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की है -1, तो ये वाला पॉइंट आपको गिवन है, ये 2, -1, क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इस जगह ये ओरिजिन है अगर, तो यहाँ लाई करेगा पॉइंट, तो आपको ये पॉइंट गिवन है। तो यूज़ करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट आपको गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो दैट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। तो हम पहले ले लेते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को हम वाई से शो करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को हम बी से शो करते हैं। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू बी, तो सो इट्स एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/b। नाउ टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेजन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब हम जानते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब एक्स क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है ए, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो है बी। एक्स अपॉन ए इंटरसेप्ट जो है वो, यानी कि आपके पास जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको हमने ए का जो नाम देंगे, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया बल्कि बता दिया कि एक्स इंटरसेप्ट। हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास ए के इक्वल होता है। तो ए की जगह आ जाएगा 1/b प्लस वाई इंटरसेप्ट जो होता है उसको हम बी का नाम दे रहे होते हैं, तो वो आ गया है यहाँ से सिंपल बी इक्वल्स टू 1। अब हमें ना एक्स इंटरसेप्ट पता है ना वाई इंटरसेप्ट पता है, जस्ट हमें ये पता है कि ये इसका बस रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि ए डिवाइड हो रहा हो बी अपॉन सी से, तो डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में बदल जाती है, हो जाता है सी अपॉन बी। ए सी से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी एक्स प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेजन नंबर 1 बन जाएगी। नाउ अब आपको दिए हुए हैं कि पास हो रहे हैं किस पॉइंट से, तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द लाइन पासिंग थ्रू पासेस थ्रू 2, -1, कहाँ से पास हो रही है 2, -1, तो एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 2, -1। हम ये पुट करेंगे इक्वेजन 1 में, एक्स की जगह आ जाएगा 2, तो बी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वाई की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम, अगर हम ले लें यहाँ से बी, बी या मल्टीप्लाई हो गया 2b² -1
इक्वल्स टू वन, बी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो टू बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू बी, बी यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा, तो टू बी स्क्वायर माइनस बी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें यानी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो टू वन ज़ार टू होता है, तो टू बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों में टू बी कॉमन है तो यहाँ से बचेगा बी माइनस वन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का वन कॉमन, यहाँ से बचा बी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। टू बी प्लस वन, यहाँ से आ गया बी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। बी की वैल्यू आई माइनस वन अपॉन टू, यहाँ से बी की वैल्यू आई प्लस वन। अब बी की दो वैल्यूज आ गई, नाउ वन बाय वन हम पुट करेंगे। अब हमने जो इक्वेशन वन बनाई थी तो हम उसमें पुट करके डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन, व्हेन बी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू और व्हेन बी इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर बी एक्स है तो बी है माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई अपॉन बी, तो वाई डिवाइडेड बाय माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस टू वाई इक्वल्स टू वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, टू एलसीएम आ गया, ये माइनस का एक्स ही रहा, प्लस टू टू ज़ फोर वाई इक्वल्स टू वन। टू यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा जी यहाँ पर भी माइनस ही रहेगी। ये है माइनस एक्स माइनस का फोर वाई इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई बाई टू टू। अब सबको पॉजिटिव करना उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम व्हेन व्हेन बी इज इक्वल्स टू वन और जब बी की वैल्यू वन होगी इक्वेशन वन में पुट करें तो एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू वन। ये सिंपल आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन। और अगर ये प्लस का वन इस साइड आ जाए तो ये माइनस का वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो इज द इक्वेजन। सिंपल ये था आपके पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।